सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पोकेमोन अनबाउंड। तो गाइस, पिछले एपिसोड में हम यहाँ पर आ चुके थे। यहाँ पर हमने यूनोवा रीजन के स्टार्टर पिक किए थे, और गाइस आपके रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने सनाई भी कुछ पिक किया था। और गाइस, यहाँ पर आप अपने पोकेमोन्स के लेवल दिखाने वाला हूँ, तो आप देख सकते हो पिछली बार हम यहाँ पर आ गए थे। और गाइस, मेरे को आपने बताया था कि ये डार्क टाइप जिम लीडर है, तो मुझे रायलू को जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेन करना पड़ेगा। तो भाई, मैंने रायलू को 30 लेवल तक ट्रेन कर दिया है, और आप देख सकते हो गाइस, जो मेरा सनाई भी था मैंने उसको काफ़ी ज़्यादा ट्रेन किया है, और अब वो 15 लेवल से 25 लेवल तक हो चुका है, और अब वो सर्वाइन में विकसित हो चुका है गाइस। और साथ में मैंने एक एरन और एक नोवी बैट पकड़ लिया था। ये दोनों दोनों को मैं कहाँ से पकड़ा मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा आगे जाके मैंने पकड़ा था उन्हें। तो गाइस, काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आई, उसके लिए सॉरी, थोड़ा मैं बिजी था, पहले मैं ट्रेनिंग कर रहा था और दूसरी मेरी एग्ज़ाम चालू थी इसके लिए। सो यहाँ पर नीडो रैन भाटिया। तो गाइस, आज हम जाने वाले हैं अपने एक नए टाउन में, नीडोरीना। यहाँ पर ओके, नीडोरीना नाइस। तो क्रेटा टाउन में गाइस हम आ चुके हैं। मुझे पिछले एपिसोड में याद नहीं रहा कि हम यहाँ पर बहुत नज़दीक है इस टाउन के, और यहाँ पर ये हो रही वो टनल जहाँ पर मैंने ट्रेनिंग की थी, KB80 एक्सप्रेसवे। तो गाइस, आज के एपिसोड में तो भाई हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है चैलेंज द क्रेटर टाउन जिम। तो गाइस, हम मेनली वही यही चैलेंज करेंगे। तो आइज हम आज इस जिम को हराने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, इसे एक फ्रेश वाटर ले लेते हैं। तो पहले तो इससे हमने फ्रेश वाटर ले ली, तो देखते हैं इसकी पजल कैसी होगी। मुझे पता नहीं यहाँ पर इसकी पजल कैसे होगी, लेकिन देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब चलते हैं आगे। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं, लेफ्ट साइड में मुड़ के देखते हैं यहाँ पे। सो भाई, मुझे कुछ इसमें बोला कि हाइड एंड सीख खेलना है लोगों के साथ, यानी अपने को नोजो की न सॉरी सॉरी लोगों की नज़र में नहीं आना है। तो यानी कुछ ओके, उसको तो हमें देख लिया और हमको स्टार्टिंग पॉइंट पे भेज दिया। तो शायद इसको मुझ ऐसा है कि मुझे इसको देखना नहीं है। ओके, देखते हैं। ओके, तो शायद यहाँ पर हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो ये मुझे देख नहीं पा रही होगी। सो कुछ ऐसा ही है। ओके, सो यहाँ पर मुझे इसने देख लिया, तो भाई मुझे कोई भी देख ले, आना तो मुझे एक ही पॉइंट पर है। वाह भाई, ठीक है, तो भाई देखता अभी यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पर आ चुका हूँ। ओके ओके, तो भाई यहाँ पे भी आ चुका हूँ, चलो बढ़िया चल रहा अब तक। ओके, तो भाई यहाँ पर ये तो पार कर दिया हमने, अब आगे देखते हैं। आगे भी है। ओके, अब यहाँ आगे भी है भाई, आगे भी है, इतनी आसानी से पजल नहीं होगा ख़त्म। और कुछ है यहाँ पर, देखते हैं। ओके, तो भाई मोटे अंकल ने देख लिया। ओ भाई, मैं किधर चला गया डायरेक्ट। ओ भाई, तो यहाँ हम चले आते हैं ड्रम, तो हम वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ बैटल चालू है। सो भाई, ये बैटल करते फटाफट और देखते हैं। सो गाइस, यहाँ पर मैंने जो रैंडम दो डबल बैटल है उसको मैंने हरा दिया, मुझे इन मोटे अंकल से सावधान रहना है। उसके नीचे एक और बैटल था, मैंने वो भी कर ली। तो अभी हमारे शायद से सारे रैंडम बैटल हो चुके हैं, बस अभी हमें पजल सॉल्व करनी है। ओके, दैट्स गुड। ओके, तो यहाँ पर अब हम अंदर तो आ चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर भी हम अभी बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत लग रही है ये करने, तो पहले मैं सेव कर लूँ, बिकॉज अगर मैं वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं आना चाहता। ओके ओके, नो नो यार, ये देख लिया इसने तो। ओके, तो मुझे लगता है यहाँ पे। ओके 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 ओके, नो 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 नो। सो फटाफट पहले मैं वही पॉइंट पे पहुँचता हूँ, फिर देखते आगे। सो गाइस, यहाँ पर अब हम यहाँ तक आ चुके हैं। तो गाइस, मुझे मैं पहले सेव कर रहे, तो भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, कम से कम 15 मिनट से यहाँ पर मैं पजल सॉल्व कर रहा हूँ, और अब जाके मैं यहाँ तक आ चुका हूँ। सॉरी, मैं आपको दिखा नहीं पाया, बिकॉज बहुत सारे बार मैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे चले जा रहा था। सो अभी और देखते, और भाई अब और सारे हैं, तो बहुत ज़्यादा हार्ड होगी एक और पार, ये पजल और हार्ड होती जाएगी। सो अभी देखते हैं। सो अभी आगे और चलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर और एक बंदा है, पर ये सामने, और तो हम ज़्यादा पीछे नहीं गए गाइस, ये अच्छी बात है, वरना हम बहुत पीछे जाते हैं। ओके, सो यार अब यहाँ पर आ चुके हैं। ओके, सो गाइस, यहाँ पर हमने सारी पजल पार कर ली, और अब जिम लीडर हमारे सामने है। सो गाइस, मैं आई एम रेडी फॉर द बैटल। तो गाइस, चलो देख क्रेटर टाउन के जिम लीडर को करते हैं चैलेंज। सो आई एम रेडी, टेक टेक, किस
कौन जीते। तो पहले सेव कर लेता हूँ बिकॉज मुझे नहीं आना इतना पजल सॉल्व करके दोबारा। मैं देखते रायलू को मैं स्टार्टिंग से स्विच करके नहीं रखना चाहता, बिकॉज अगर कोई स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डेंजरस पोकेमॉन आ जाए और उस वो फिर मेरा रायलू को मुझे थोड़ा प्लानिंग करने का मौका नहीं देगा, तो मैं बस्टर को चुनूंगा। हाँ, यहाँ पर मैंने नोइबेट का नाम बस्टर रखा है, आपको पता नहीं हो तो मैं बोल दूँ, मैंने बोलना भूल गया। सो लेट्स बिगिन। आर सी योर चैलेंजर ऑफ पास माई टेस्ट, टेल मी व्हाट्स योर नेम। फॉर आई सी विस्पर मर्टर विस्पर, आई हैव द वेगा द जिम लीडर ऑफ क्रेटर टाउन जिम। The somber atmosphere of this town has allowed to me channel all of my dark energy into one place. Are you prepared to face it? Look at this god versus Vega. यहाँ पर चालू हो चुका है तीसरा जिम बैटल हमारा। लाइपर्ड है पहला पोकेमॉन इसका, तो देखते हैं भाई 30 लेवल का। अच्छा हुआ भाई मैंने ट्रेनिंग करके आया हूँ, सुपर सोनिक इस्तेमाल करते हैं इसके ऊपर। सो गाइस इसने थीफ अटैक करके पहले ही हमारा बुरा हाल कर दिया और हमारे नोई बैट को हरा दिया। तो भाई पूरी उम्मीद यहाँ पर हमारे रायलू पर है, रॉक स्मैश यूज़ करते हैं। तो भाई टॉन्ट इस्तेमाल किया इसने। ओके तो भाई साहब देखते हैं सुपर पोशन। ओके तो हमने रॉक स्मैश यूज़ कर दिया फिर से, इसका डिफेंस कम हो गया, लेकिन ये हमारी जो है कुछ तो हमारी एचपी जा रही है। सो भाई नो के चलो भाई लाइफ पार्ट तो शायद चला जाएगा। हाँ भाई, तो भाई लाइफ पार्ट को हमने हरा दिया है। नेक्स्ट इज एब्जॉल, तो एब्जॉल के लिए मुझे फुल हेल्थ वाला पोकेमॉन चाहिए, तो मैं फेरी को शायद से अपना जो है एचपी गवा देनी पड़े, बिकॉज मुझे पूरी तरीके से एचपी रिस्टोर करनी है अपने रायलू की। सो पूरी तरीके से सुपर पोशन से कर सकते हैं क्या? हाँ कर दिए हमने। थीफ इस्तेमाल किया और हमारा पत्ता था कि पत्ता कट होने वाला है। अब मैं फिर से चुनने वाला हूँ रायलू को, अब देखते हैं क्या होता है। मैंने रॉक स्मैश इस्तेमाल करूँगा, तो भाई टॉन्ट अटैक फिर से इसने मार दिया और एब्सोल को हमने काफ़ी बुरी तरीके से एक रॉक स्मैश भी लगा दिया है। ओ भाई स्लैश काफ़ी ज़्यादा डेंजरस मूव है। सो गाइस चलो गाइस एब्सोल भी इसका हार चुका है, मैं डिफिकल्ट मोड पे खेल रहा हूँ, आपको बाद में बोलूँगा। तो गाइस यहाँ पर जो है बहुत बढ़िया स्नीजल इज द नेक्स्ट पोकेमॉन, तो मुझे एक और बार स्विच करके अपने ग्रीनी को चुनना पड़ेगा क्योंकि मुझे स्विच करना है उसे। मुझे पता है आइस टाइप मूव आ सकता है। प्रिपेयर यूर सेल्फ फॉर माई ट्रम्प कार्ड। ओ भाई साहब इसका ट्रम्प कार्ड तो कुछ ना कुछ डेंजरस इसके पास होगी। मैं लीच सीड इस्तेमाल कर दूँ, फेक आउट। ओ नो, तो थीफ इस्तेमाल कर रहा है, इसके पास डार्क जेम है, तो भाई मेरे रायलू को भी काफ़ी ज़्यादा चोट खानी पड़ती। सो हमने मिराकल सॉरी लीच सीड इसके ऊपर कर दिया, इससे हमारी एचपी रिस्टोर होती जाएगी। और अब मुझे एक और सुपर पोशन यूज़ करना है रायलू पे, बिकॉज मैं पूरी तरीके से अपने रायलू पर ही डिपेंड हूँ इस मैच में। थीफ अटैक भाई, अगर इसका डार्क जेम मेरे रायलू पे बस रहा तो भाई बहुत ज़्यादा एचपी जाती है। मैं रॉक स्मैश इस्तेमाल करने वाला हूँ, मेटल क्लॉ। सो भाई देखते हैं अभी रॉक स्मैश। और गाइस यहाँ पर स्नीजल भी हार चुका है। सो गाइस यहाँ पर हमने जीत चुके हैं, यहाँ पर सेकंड जिम लीडर को हमने हरा दिया है और विजन बैच हमें मिल चुका है वेगा से, बहुत बढ़िया। चलो गाइस हमने अपना सेकंड जिम बैच जीत लिया है और इसने बोला कि हम कट अभी यूज़ कर सकते हैं कहाँ पर भी। TM46 थीफ हमें मिला है, बहुत बढ़िया TM है। डार्क टाइप मूव हमें चाहिए था। सो गाइस दैट्स ऑल, आज हमने इसको हरा दिया है। और अब भाई मैं किसी से भी यहाँ पर लड़ूँ, मैं सीधा स्टार्टिंग पॉइंट पर ही जाना चाहता हूँ। तो अब मुझे मेरा नेक्स्ट है कि यूज़ द KPIT एक्सप्रेस वे टू गो साउथ ऑफ क्रेटर डाउन, वो तो हम बाद में जाएंगे। दसेस्ट हैज सेंट वर्ड द टारगेट इज ऑन द मूव, ऑल राइट देन लेट्स मूव इन टू पोजिशन। सो यहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रही है, वो अगले एपिसोड में देखेंगे। सो गाइस दैट्स ऑल, वो आज के एपिसोड में गाइस हमने दूसरे जिम लीडर अपने हरा दिया था वेगा को और हमने जीता अपना दूसरा जिम बैच, तो बहुत बढ़िया। रायलू के लिए भाई एक लाइक तो बनता है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस एपिसोड, माना कि छोटी थी लेकिन बाद में बड़ी भी आएगी वीडियो। सो गाइस तब तक के लिए लाइक करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाना, और तब तक के लिए गुड बाय, पीस आउट एंड टेक केयर।